हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये MI का चार्जर है। इसका जो पैकिंग है बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड पैकिंग रहता है ये, और बहुत कोई इसे खोल नहीं पाता है आसानी से, खोलते वक्त तोड़ देता है चार्जर को। तो इसमें थोड़ा जैक प्रॉब्लम मिल रहा है, लूज है। और ये जो मैंने चार्जर दिखाया आपको वो मैंने खोल लिया पहले से, लेकिन किस तरह खोली आपको बताएंगे ज़रूर। तो इसे खोलने के लिए देखिए, ये जो है देखिए, मैंने यहाँ पे चोट लगाया है, देख पा रहे हैं पेचकस से इसको, ठीक है। तो बस एक ही जगह इसे इस तरह पेचकस लगाओ और उसमें चोट लगा दो ताकि खुल जाएगा आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं है। बस हल्का सा प्रेशर डालो, बस खुल गया। और इसी तरह से आप इसे खोल सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये जो मैंने चोट लगाया है इसमें, बस एक ही जगह मेरे ढक्कन पे जो है ये चोट लगाया, ठीक है, मतलब चोट लगा है यानी कि डैमेज हुआ है, यानी कि मैंने एक ही साइड से एक ही तरफ से इसे चोट लगा के पूरे ढक्कन को खोल दिया। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं और कहीं फ्रैक्चर नहीं, बस उसी जगह पे है। उतना खोलने में उतना थोड़ा तो आएगा ही निशान, तो इसी तरह खोल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं आप जो प्रॉब्लम है। इसे निकाल लेते हैं, इसमें मेरा लूज था थोड़ा जैक, तो इसे भी निकाल लेते हैं इस तरह से। तो निकल गया और आप इसे रिपेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। तो मेरा प्रॉब्लम था यहाँ पे, देख सकते हैं ये मेरा जैक हिल रहा है ना, देखिए ये मेरा जैक है हिल रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी मेरा। यहाँ भी है इसका कनेक्शन, यहाँ पे गौर कीजिएगा हिल रहा है ना, तो इसी को सोल्डरिंग आयरन से आप इसको कनेक्शन सेट कर सकते हैं अच्छे से, फिटिंग और अप लगा सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा कर ये लेते हैं सोल्डरिंग से कनेक्शन इसका। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने घर पे ही चार्जर को खोल सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और ऐसे वीडियो में लाता रहूँ। थैंक यू ब्रो। चलो मैं टाइम ना गवाते हुए इसे जल्दी मैंने, देखिए इस तरह से इसे सोल्डरिंग कनेक्शन इसे जम कर लेना है जैक को। तो देखिए मैंने कंप्लीट करके इसे टेप से इसको करते हैं कनेक्ट पूरा सेटअप। अब इसमें लगा देते हैं पावर, देखिए मैंने डाटा केबल और ये जो पावर बैंक का किट है, इसलिए इसी से आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा ये चार्जर है वो सही है या फिर खोलते वक्त ख़राब हो गया, ठीक है। ठीक है, दे दिया पावर देते हैं। तो अब दोस्तों देख पा रहे हैं बिल्कुल मेरा चार्जर बिल्कुल सही है, कोई डिफेक्ट कोई भी ख़राब नहीं हुआ, जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। थैंक यू ब्रो, बाय बाय।